ने उसमें मैन ऑफ द मैच थे और सेंचुरी बनाई, और आज फिर आश्मी साहब वो सेंचुरी बना के क्रीज पे खड़े हुए हैं। और एट दिस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 143 रन, 143 रन उन्होंने बनाए हैं, और दूसरी दो मैच दो दो सेंचुरीज और 10,000 उन्होंने अपने ओडीआईस के रन्स भी मुकम्मल कर लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस दौर में, मतलब हम क्रिकेट फैन हैं, सारे देखते हैं किसी भी टीम का प्लेयर हो कि अच्छा करे हमें तारीफ करनी चाहिए, अब वो सेंचुरीज का तेंदुलकर का रिकॉर्ड के पीछे हैं 100 सेंचुरीज पे, तो ये क्या ये खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या ये इंसान कैसे आसानी से रन बनाता है, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल तमाम तस्वीरात से बालातर होके हम स्पोर्टमैन स्पिरिट की बात करते हैं, चाहे बिल्कुल वो किसी मुल्क का भी हो, जी हाँ ये जी हाँ हमसाए मुल्क का भारत का प्लेयर है। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि जो प्लेयर मेहनत कर रहा है और बासानी वो एक मैच वेस्ट इंडीज से विन कर गए, दूसरा भी वो एक सेंचुरी बनाई उन्होंने, दूसरी सेंचुरी बना के अभी वो क्रीज पे खड़े हैं, तो इट मीन के वो उनकी गेम अच्छी है, वो मेहनत करते हैं और टोटली अपना जो कंसंट्रेशन अपनी गेम पे रखते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। तो ये जो प्लेयर होता है उसकी जो मेहनत है वो एक अपने मुल्क का एक सफीर होता है, उसने मतलब पूरा भारत को अब वो लीड कर रहा है, जैसे हमारी पाकिस्तानी टीम पूरे पाकिस्तान की वहां पे जी हाँ जी हाँ सफीर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैच भी बासानी जीत जाएंगे और ये सीरीज भी बासानी जीत जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनकी जो टीम है वो बड़ी अच्छी खेल रही है और वो इनका जो है ना पीक पे है इस वक्त, खास करके ये जो सेंचुरीज का एक तसलसल इनका बरकरार रखा है जी ना, हाँ तो जी ये हाँ जी फुल फॉर्म में इस वक्त दिख रहे हैं। तो आई थिंक सो के इसी चीज को अडाप्ट करना चाहिए और हमारे प्लेयर्स को भी इसी तरह सेंचुरीज बनानी चाहिए, सीखना और चाहिए। बिल्कुल जो सेट कर दिया मिसाल अब्बास ने, तो उसी मिसाल को उस बैट्समैन को लेके भी बैट्समैन और बॉलर को यही रवैया तैयार करना चाहिए और अच्छी गेम खेलने के बाद प्रूव करना वैसे ही चाहिए। सीखेंगे। अच्छा असगर अली मुबारक साहब, जैसे कि अभी बता रहे थे आशमी साहब के, जो हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी सीखना चाहिए आपकी इनिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। अब मैं इनफैक्ट प्रोग्राम में आने से पहले घर में मैच देख रहा था, ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच, तो बड़े स्मूथ तरीके से वो इनिंग्स को अपनी डेवलप करते हैं, और कुछ आप देखते देखते 8-10-15 ओवर्स में वो 50 क्रॉस करके वो 100 के पास पहुंच जाते हैं, तो ये चीजें सीखनी चाहिए ऐसे प्लेयर्स से, क्या रिजवान कहेंगे साहब, आप? जिस तरह माशाल्लाह आपकी एक कीन ऑब्जर्वेशन है, और मैं ये समझता हूँ ये बदकिस्मती से हमारे अगर कोचेस के अंदर भी ये चीज़ आ जाए तो हम जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा नेचुरल टैलेंट है मुख्तलिफ डोमेस्टिक में, ये विराट कोहली से भी बेहतर प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं। ये मेरा दावा है कि पाकिस्तान के अंदर जितना कहाँ है सर, सर आप देखें, ये कितने सालों से हमारी जो बैटिंग के बदकिस्मती इश्यूज ये हैं, है, देखें अगर कोहली से ज्यादा बेहतर है तो कुछ लेके सर, आए, देखें कोहली से हाफ भी कोई मिल जाए तो मैं रिजवान काफी भाई है। आपको याद करूं कि मिसाल के तौर पे आपके तीन प्लेयर पहले टेस्ट मैच में सियालकोट से उसमें शामिल हुए, तीनों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, ठीक है सर, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और तीनों के तीनों, अब्बास का भी तल्लक वहीं से आया सियालकोट से। जी जी सियालकोट एक ऐसा पसमानदा एरिया है क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे काफ़ी अरसे से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्या पाकिस्तान में वैसे नहीं हो रही, ऐसे वहाँ नहीं, पे बाकी मैचेस नहीं में जहीर के हवाले अब्बास से भी वहां से ही, जाज अहमद वहां से, शुएब मलिक वहां से, सर, काफी प्लेयर्स आए हैं मैं अभी सियालकोट अभी की से। बात करूं जो तीन नए प्लेयर आए थे, जिन तीनों जिसमें एक हमारे स्पिनर भी बिलाल आसिफ वहां और से, हमारे जी हाँ एक बैट्समैन भी, ठीक है सर, ये तीनों के तीनों जो सियालकोट से। वहां से सर जो डोमेस्टिक में आपका कोच है ना, उसको जब ये तीन चार ऐसे प्लेयर उनके साथ आपको एज ए असिस्टेंट कोच बना के यूएई में भेजना चाहिए ताकि वो टीम के साथ रह के वो भी कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सके, वो भी आके डोमेस्टिक चीज लेवल पे उसको डिलीवर कर सके। हमने इन चीज़ों को प्लेयर तक महदूद कर दिया है, तो उनको भी कमोबेश जो हमारे अगर कोच नहीं होगा तो आप प्लेयर कैसे तैयार करेंगे? उसके पास जो एक देखने की आंख है, जो परखने की आंख है, जिसने उसने उस प्लेयर को देखना है, अगर आप उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे तो किस तरीके से आप कह सकते हैं नहीं, कि कोचिज पाकिस्तान भी के ऑब्वियसली अंदर। सीखाते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो भी देखते विराट हैं ना कौन देखें, सा प्लेयर है विराट जो ऊपर को है, रिजवान जो भाई, विराट हाईएस्ट अच्छे को तरीके से देखें, विराट परफॉर्म को कर रहा उन्होंने है। जाया नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हुए थे उन्होंने उसको रेस्ट दिया, उन्होंने देखा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एक साल से कि कम अरसे कोई इंजरी ना आ जाए, तो प्लेयरों के को देखा जाता है, वहां पे देखना रेस्ट होता है कि किया कहाँ पे उन्होंने। आपने टीम को, वहां पे बेहतर प्लेयर को भी भेज सकते थे वो, लेकिन वहां पे उन्होंने नहीं भेजा। यूएई के अंदर हालांकि उनकी अपना एक एशिया कप हो रहा था, एशिया कप में उन्होंने उसको भेजा, उसके बावजूद भी उसके बगैर भी जीता कि नहीं जीता आपके बिल्कुल, सामने है अब बेंच स्ट्रेंथ तो है उनकी टीम में। उनके।